अयोध्या जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती दुल्हन के जोड़े में सजधज कर निकाह के लिए पूरे दिन दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। यह मामला रेड़गंज हमदानी कोठी के पास का है, जहां लड़की के घर वाले बारात का इंतजार करते रहे। लड़की पक्ष के लोग इकट्ठा थे, सारी तैयारियां पूरी थी। अचानक कॉल आती है जो दूल्हे की बहन की थी। फोन पर बताया गया कि लड़का घर से फरार हो गया है। बारात न आने से घराती लोग परेशान हो गए। लड़की वालों का आरोप है कि वहीं 10 दिन पहले 3 लाख नगद, एक पल्सर बाइक, सोने की चैन और पूरे परिवार के लिए अंगूठी की डिमांड थी। नगद रुपया न होने के कारण दहेज नहीं दिया जा सका। पीड़िता रिजवाना बानो ने कोतवाली नगर में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है। डिमांड थी, पैसा मांग रहे थे तो हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। हमने बोला कि जो हमारी लड़की के नसीब में होगा वो ले जाएगी, पैसा नहीं दे के हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़के की कोई मांग नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन घर वाले उसको मजबूर कर रहे थे कि आप पैसा मांगो और उसके बाद शादी होगी। लेकिन लड़का भी बीच में कहने लगा था, लेकिन अब लड़का ही भाग गया। लेकिन उसको हम समझ रहे थे कि अच्छा है, लेकिन वो सबसे गंदा लड़का है, बहुत बेकार है, वो भाग गया। अगर वो अच्छा होता तो आज हमारे घर पे बारात लेके आता। मामला कहाँ का बता दीजिए। बस यही सब है सर कि बारात नहीं आई है। देखिए, एक बात प्रकाश में आई है, हमारे यहाँ चौकी चौक अंतर्गत एक मुस्लिम परिवार है जहाँ पर आज बारात आनी थी, लेकिन बारात नहीं आई और फोन से अवगत कराया गया कि हम लोग बारात लेके नहीं आ पाएंगे। उस मामले में फिर परिवार थोड़ा पीड़ित हो गया और पीड़ित परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं में। उन धाराओं के तहत जो भी है अब उसमें विधिक कार्रवाई हम आगे करेंगे। उसको हम लोग तस्दीक भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि लड़का सुबह से ही भाग गया है कहीं, तो जैसा भी है उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।